हेलो दोस्तों नमस्ते जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड फैंड दिस इज राहुल रावत एंड वंस अगेन आई वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आप सभी लोगों के लिए अनदर न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ सो इफ़ यू गाइस आर विजिटिंग टू अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल यू ऑल नो एंड डेफिनेटली प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल फाइंड आउट द पी डी एफ फॉर्म ऑफ ऑल दिस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन अर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सो द फर्स्ट नोटिफिकेशन विच इज़ रिलीज बाय कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास सितारगंज उधम सिंह नगर यूएस नगर के लिए है विज्ञप्ति वॉक इंटरव्यू के बारे में ईमेल आईडी की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है ट्वेंटी टू अगस्त दो हजार तेईस की डेट में ये आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास सितारगंज में शैक्षिक सत्र 2023-2024 में नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर इच्छुक अभ्यर्थीगण एक नौ दो हज़ार तेईस प्रातः ग्यारह बजे अपने आवश्यक दस्तावेज फोटोकॉपी सहित जे जे आई सी कैंपस सितारगंज में स्थित छात्रावास में उपस्थित हों अधिक जानकारी के लिए छात्रावास से प्राप्त आप लोग कर सकते हैं इसमें अकाउंटेंट के लिए पोस्ट है देखिए वन पोस्ट है सोलह हजार पाँच सौ रुपये नियतमानदेय दिया जाएगा बी कॉम है अगर आपका कंप्यूटर में अगर आपको नॉलेज है एक्सपीरियंस है अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग में दक्षता होनी चाहिए अट्ठारह से चालीस वर्ष के बीच में आयु सीमा आप लोग आवेदन कर सकते हैं कुक के लिए पोस्ट है और हाउस और सिक्योरिटी गार्ड के लिए पोस्ट है वन तो एलेवन थाउजेंड पोस्ट एलेवन थाउजेंड पर मंथ आपका सैलरी रहेगा फिफ्थ पास हैं आप और एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड में तो आप लोग एलिजिबल हैं एज एटीन टू फोर्टी इयर्स होना चाहिए आप लोग कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास से इस संबंध में ले सकते हैं वेल अदर नोटिफिकेशन की मैं बात करूं जो कि रिलीज किया गया कार्यालय जिला अधिकारी चंपावत के अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति और वॉक इंटरव्यू फॉर द स्पोर्ट्स एथलीट के लिए तो देखिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि आ, इंडिया खेलो इंडिया सेंटर के अंतर्गत आपका एथलीट्स खेल में मास सितंबर 2023 से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अंशकालिक प्रशिक्षक की मानदेय के आधार पर नियुक्ति की जानी है जिस तो निम्न अनुसार अर्ड़ताएँ होनी है तो आयु आपका फोर्टी फर्स्ट होना चाहिए तैनाती अवधि आपका टू ईयर्स अनुबंधन के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है खेल उपलब्धियाँ वरिता यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि नियत मानदेय आपको पच्चीस हजार दिया जाएगा तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल खेल शिक्षक हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोस्ट के लिए अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र खेल उपलब्धि पहचान पत्र अनुभव प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की स्वप्रमाणिक छायाप्रति और दो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स के साथ आप इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में फाइव सेप्टेम्बर तक स्वयं उपस्थित होकर तथा पंजो डाक से जिला खेल कार्यालय चंपावत तक सबमिट कर सकते हैं तो ये बताया गया कि समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को जो भी पाए जाएंगे वाक इंटरव्यू हेतु अलग से उनको जानकारी सूचित किया जाएगा और बताया गया जिससे सभी अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए समस्तमूल प्रमाण पत्र सहित गठित चयन समिति के सम्मुख हेतु तो उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा शर्तें यहाँ पर दिया गया आप लोग चेकआउट कर सकते हैं आयुषी माँ तैनाती खेल उपलब्धि वरिताक्रम नित मानदेय तो इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है अनदर नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया देखिए राजकीतगुन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत पटेल नंगा देहरादून में तो यहाँ पर बताया गया कि संविदा के आधार पर जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर सर्च कमेटी के माध्यम से वॉकर इंटरव्यू उनतीस अगस्त दो हजार तेईस को प्रत्येक मंगलवार कार्य दिवस को पदों की आवश्यकता के अनुरूप रिक्तियाँ पूर्ण होने तक ग्यारह बजे अपराह्न दो बजे तक कार्यालय प्राचा राज के दूर मेडिकल कॉलेज देहरादून में आयोजित किया जाएगा पदों की विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है ऑलराइट तो दर सरकारी नोटिफिकेशन की मैं बात करूं जो कि रिलीज़ किया गया एसएससी के अंतर्गत तो देखिए फॉर्म फिलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने स्पेशली बताई गई हैं कि आप इन पदों के लिए बारह नौ 2023 हज़ार तेईस से कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 307 पदों पर ये एसएससी के अंतर्गत भर्ती रिलीज़ किया गया है टेंटेटिव वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए तो तीन सौ सात पद टेंटेटिव बताई गई हैं यहाँ पर आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सब को सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री नेम दिया गया है तो इस तरीके से आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए व जूनियर ट्रांसलेशन के लिए और यहाँ पर देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आफ्टर दैट आपका सीनियर ट्रांसलेटर व सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट दिया गया आप लोग चेकआउट कर सकते हैं तो इन तस्वीर एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो देखिए इसमें मास्टर भी मांगा गया आपका एज लिमिट के बारे में बताया गया है एज आपका एटीन टू थर्टी ईयर्स होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं एटीन टू थर्टी ईयर्स बाकी एज रिलेक्सन रहेगा इस पर द गवर्नमेंट रूल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर ये देखिए असेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया फॉर द पोस्ट कोड ए टू सी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री of a recognized university in a hindi and english as a compulsory or elective subject as a medium of examination at the degree level master degree recognized university english and hindi compulsory to master manga gya hai Aka all right or for the uh, post कोड डी जिसमें कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर व सीनियर ट्रांसलेटर इन अ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जिसमें मास्टर डिग्री मांगा गया यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं किस तरीके से आवेदन करना है सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पी की संपूर्ण जानकारी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है और राइट right. आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसमें पैटर्न नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अंतर्गत अंदरगति रिलीज किया गया देखिए प्रोजेक्ट सहायक के लिए वो फील्ड वर्कर के लिए तो ये पोस्ट आपकी फ़िल्ड रहेंगी इसके लिए यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पोजिशन के बारे में बताया गया प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट है नंबर ऑफ वैकेंसी वन है बैचलर डिग्री है साइंस में और टू ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट रिकगनाइज तो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तो आप लोग एलिजिबल हैं न no, प्लेस ऑफ वर्क आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट रहेगा फील्ड वर्कर की भी पोस्ट हैं टू पोस्ट हैं यहाँ पर आपकी जानकारी दिया गया है इसका पीडियड मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है जो भी इंटरेस्टेड वालिजिबल कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ऑल राइट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए वॉकर इंटरव्यू आपका चौबीस अगस्त दो को हेल्ड होगा ग्यारह बजे नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय जल जीवन संस्थान के अंतर्गत ये भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की उत्तराखंड के अंतर्गत तो एडवर्टाइजमेंट इक्कीस आठ दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया गया है डिजाइ आप डेजिग्नेशन चेकआउट कर सकते हैं रिसोर्स पर्सन सीनियर के लिए पोस्ट है पहला आफ्टर दरी रिसर्च एसोसिएट के लिए पोस्ट है नेक्स्ट तो आपका रिसर्च एसोसिएट के लिए है जूनियर रिसर्च फैलो के लिए है जूनियर रिसर्च फैलो के लिए है जूनियर रिसर्च फैलो के लिए है हालांकि ये सारी पोस्ट अभी अब टेम्प्रेरी रहेंगी जूनियर रिसर्च फैलो हो गया आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो गया तो आपके पास सारी जानकारी स्क्रीन पर दिया गया इसका ऑफिशियल पी टी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया उत्तराखंड ओपन मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जूनियर रिसर्च फैलो की पोस्ट है और रिसोर्स पर्सन जूनियर के लिए रिसोर्स पर्सन जूनियर के लिए पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट इस तरीके से दिए गए हैं जनरल कंडीशन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया इंटरेस्टेड इंटरेस्ट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में ऑल राइट right. uh, सारी आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से रीड आउट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर पी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है वो फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कर दिया गया है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लास्ट बट नॉट लीस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स स्कूल ऑफ साइंस एच गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है वॉकअ इंटरव्यू रिस्क कैज किया गया है इसका तो देखिए बताया गया है कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ तक का सैली रहेगा प्लस नाइन परसेंट एच आ अंडर एस ई आर बी एंड डी प्रोजेक्ट तो कैंडिडेट शुड हैव एमएससी इन फिजिक्स विद मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स और अपीयरिंग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कैंडिडेट हैविंग गुड परफॉर्मेंस और गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स एक्सपीरियंस विल बी गिवन द प्रिफ्रेंस द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इस थ्री ईयर इंटर से जो भी कैंडिडेट हैं आप ओपन इंटरव्यू में उन्नीस अगस्त हो जाते हैं इसको ग्यारह बजे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एड्रेस एंड वैन्यू की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है बट मेक श्योर नॉट ए डी ए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू इसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को जो कि मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया ऑल राइट सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव सीन दिस वीडियो टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब चैनल बिकॉज इसल लॉस एंड लॉस टाइम पीरियड टू क्रिएट अ वीडियो ओवर द चैनल सो दट आई एम से जस्ट सब्सक्राइब चैनल एंड प्लस द नोफिकेशन बेल आईकन थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो